मेरे साथ एक अहिरों का लड़का पढ़ता था जी, तो उसको जब राव साहब कह देते थे ना, बड़ा खुश हो जाता था राव साहब। पंजाब और हरियाणा की असेंबली में यादव किसी के नाम के साथ लिखा हो, वो रघु यादव पहला है। बात सच में तो ये है कि हमारे आंदोलन की प्रेरणा से जेपी आए। अच्छा, मतलब किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, बड़े नेता हमसे मुलाकात किया करते थे। अच्छा। गुजरात में नहीं डाले गए हम, वहाँ बाबू भाई जसभाई पटेल की सरकार थी। अच्छा। तो गुजरात में ये जेलों में जाना नहीं हुआ, इसीलिए लोग गुजरात में पनाह लेने भी आते थे। तो आप हरियाणा में होते तो आप बंसीलाल जी आपको अंदर करते? हम बंसीलाल को जल्दी उखाड़ दिए होते या वो हमको अंदर कर दिए, पता नहीं क्या होता। नमस्कार दोस्तों, आज तक ये जितनी भी पॉलिटिकल बातें मैंने आपके साथ की हैं, उन सारी बातों में आज की जो मुलाकात है वो बहुत रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस मुलाकात के लिए मैंने खुद 2-3 साल से इंतजार किया है। और रघु यादव जी अहिरवाल का एक ऐसा नाम है जो बहुत सालों तक सनसनी बनकर रेवाड़ी और पूरा जो अहिरवाल है इसमें छाए रहे हैं। और दोस्तों, एक फिल्म आई थी तेरे नाम, सलमान खान की बहुत फेमस फिल्म है, और उसी तरीके से रघु यादव जी के जो आपके नाम है, एक ये अखबार निकालते थे वो बहुत फेमस हरियाणा का एक हिस्टोरिकल दस्तावेज भी था। और आज रघु यादव जी के पास तसल्ली से बैठा हूँ, बहुत फुर्सत से बैठा हूँ, और जानने की कोशिश करेंगे कुछ पुरानी बातें और हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के उन पहलुओं को हम खंगालेंगे जिनके बारे में आमतौर पर हमें नहीं पता है। सबसे पहले तो रघु जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। रघु जी, सबसे बड़ा सवाल जो हमारी वाली पीढ़ी के लिए है वो ये है कि एक तो होते हैं जैसे अहिरवाल का नाम आता है तो राव साहब हो जाती है, इस राव साहब में यादव होना, मतलब ये हमें आमतौर पर जिन लोगों को पता नहीं, ये राव या यादव का चक्कर क्या है ये? दरअसल में यहाँ जो लोग बसते हैं उनकी बिरादरी है यादव। अच्छा, वो अहीर हैं? अहीर, okay. अहीर एक्चुअली असली शब्द है जो कि आम लोगों में प्रचलित रहा है। ठीक है जी। अहीर बिरादरी। और इसमें जो मुगलों की अंग्रेजों की सहायता करके रकबे पा गए थे, पदवियां पा गए थे, वो लोग थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कम करने के लिए राव का इस्तेमाल करते थे। नहीं, वो राव कोई उपाधि नहीं है? उपाधि है ये मुगलों की, जाति नहीं है। अच्छा, उपाधि है। तो जो हमारा जो यहाँ का जो आम बासिंदा है वो अहीर है, बड़ा मेहनत कश है। लेकिन एक चीज फिर इसमें ये भी आ जाती है कि बाहर जब भी हम जाते हैं, जैसे मेरे साथ एक अहिरों का लड़का पढ़ता था जी, तो उसको जब राव साहब कह देते थे ना, बड़ा खुश हो जाता था राव साहब। हाँ, तो अगर किसी सूबेदार को आप कप्तान साहब कह दो तो उसका वो फूल जाता है क्या जी। तो राव साहब कोई हमारी जाति का सूचक नहीं है। अच्छा, ये जो यहाँ मनसबदार रियासत वगैरह जो छोटी मोटी थी उनके जो लोग थे, उन्होंने सहायता की मुगल शासकों की या पटियाला वालों की या सहायता की अंग्रेजों की, तो उनको उपाधियों में वो लोग थोड़ा सा पीठ थपथपा दिया करते थे। लेकिन ऐसा क्या ट्रेंड रहा है कि अहिरवाल के लोग उन्हीं राव साहब को ही तो जिताते हैं? विकल्प का अभाव रहा, विकल्प का अभाव रहा। उनके सामने जो राजनीति करना चाहते थे वो भी उसी धरे पे चलना चाहते थे, तो वो विकल्प के अभाव में वो लोग रहे। वो भी जीत कर राव साहब कहलवाना पसंद करते? हाँ बिल्कुल। यादव तो पहला हुआ हूँ मैं। अच्छा, पंजाब और हरियाणा की असेंबली में यादव किसी के नाम के साथ लिखा हो वो रघु यादव पहला है। अच्छा। मेरे से पहले चौधरी राव यही लिखते थे लोग। तो आपने मतलब राव साहब लिखवाना पसंद नहीं किया? नहीं, मैं रघु यादव भी रहा हूँ। अच्छा, रघु कोई क्रेज नहीं था आपके मन में राव साहब का कोई क्रेज? नहीं, वो तो जिनके मन में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स है वो इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनमें हीन भावना है कि अहीर कहलाना वो पसंद नहीं करते कि भाई अहीर नहीं तो हमें तो राव कहा जाए। आपने तो इस पे कोई किताब भी लिखी ना? हाँ, मैंने पहला अपना आपके नाम में एक संपादक ही लिखा था। क्या? उसमें मैंने लिखा था कि मैं राव साहब नहीं अहीर हूँ, मैं राव साहब नहीं अहीर हूँ। अब हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा है तो राव रेजिमेंट की कोई मांग नहीं करता, अहीर रेजिमेंट की मांग होती है। इसी तरह अहिरवाल राइफल्स की मांग होती है। क्यों?
क्योंकि ये अहिरों का इलाका है, अहिर हमारी बिरादरी है और अहिरों की वजह से इस इलाके का नाम अहिर बाहुल्य होने के कारण अहिरवाल है। अच्छा रघु जी, आप जहां तक मैं जानता हूं, आप जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन इस देश में शुरू किया और आप उस आंदोलन की उपज हैं एक नेतृत्व में, वो किस्सा बताएंगे आप उस समय क्या कर रहे थे? दरअसल मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। और कहां पर? मैं गुजरात बड़ौदा में। गुजरात? हाँ जी। अच्छा, मेरा जन्म हुआ अजमेर में, मेरी पूरी स्कूल की शिक्षा हुई अजमेर में, उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया चार पांच कॉलेजों में। तो मैंने फिर, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में थे और उस समय बड़ौदा में थे, तो मैंने बड़ौदा का इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, हालांकि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था। अच्छा, मेरा तो ये दृढ़ संकल्प था कि मुझे एक बीए एलएलबी करनी है और इन चीज़ों में पढ़ना है, लेकिन मेरे पिताजी जो स्वयं एमए थे, वो चूँकि भविष्य देखना चाहते थे, तो मेरे सारे भाई बहन डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती इंजीनियरिंग में करवा दिया। मतलब आप घर के वो बच्चे हैं जो जिससे सबसे कम उम्मीदें थी माता पिता को? नहीं, उम्मीदें तो पूरी थी। अच्छा, पर उन्हें लगता था कि बीए एलएलबी ये कोई कैरियर नहीं है। अच्छा, मतलब इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एक अच्छा कैरियर है, इंजीनियर रहेगा, एक्सजीएन रहेगा, एससी रहेगा, अपने आराम से जिंदगी गुजर कर लेगा। अच्छा, उन्हें बी एल एल बी को ज्यादा अपील नहीं करता था, तो खुद एम ए थे वो। अच्छा, तो इसलिए मेरा मैं उस एडमिशन के खिलाफ था, लेकिन पिताजी चूंकि चाहते थे तो मैंने वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया जी। तो वहाँ जब हम फोर्थ ईयर में थे, तब नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ था मिसेस गांधी के आपातकाल के बाद। अच्छा, वो आपातकाल से पहले तो नव निर्माण आंदोलन जब चला जोर शोर से, उसी के बाद ये एमरजेंसी लगी थी। तो दरअसल मैं अगर यूं कहें तो बात सच में तो यह है कि हमारे आंदोलन की प्रेरणा से जेपी आए। अच्छा, तब तक आपकी जेपी से कोई मुलाकात नहीं? कोई मुलाकात नहीं थी। आप लोगों की क्या मांग थी उधर कॉलेज में? एक्चुअली मांग तो शुरू हुई थी हॉस्टलों में जो बिल होता था। अच्छा, ये एमएस का वो एकदम बढ़ गया था। अच्छा, तो जब उसके खंगाला जाता था, बात की जाती थी, तो मालूम पड़ता था कि तेल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया है। तो चिमन भाई पटेल की सरकार थी, तो चिमन चोर करके फिर मिसेस गांधी पे अटैक होने लग गए। अच्छा, फिर हमारा जब आंदोलन चला महंगाई के खिलाफ, तो सरकार के खिलाफ हो गया। फिर मोरारजी भाई अहमदाबाद में आमरण अनशन पे बैठ गए थे। अच्छा, तब तक आप वो कांग्रेस वो थी, मतलब किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, बड़े नेता हमसे मुलाकात किया करते थे। अच्छा, पीलू मोदी। अच्छा, से मेरे अच्छे दोस्ताना उसी समय हुए, वो आया करते आपके? हाँ, वो जैसे बड़ौदा आते थे, एक रेस्ट हाउस में रुकते थे, तो वो संपर्क में रहते थे हमारे। इसी तरह और भी जितने भी नेता थे। तो आप लीडर थे उसको? हाँ, मैं लीडर, मैं यूनिवर्सिटी छात्र संघ समिति का अध्यक्ष था। अच्छा, और मैं अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का, वहाँ जनरल सेक्रेटरी होता था, मेन अध्यक्ष नहीं होता था, जनरल सेक्रेटरी मेन होता था, उसका बकायदा 23,000 जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। अच्छा, सभी फैकल्टीज के, फाइन आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स और होम साइंस, इन सब के जो बच्चे होते थे वो वोट दिया करते थे, तो उनका चुना जाता था जनरल सेक्रेटरी। मैं जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा अच्छा, तो नवनिर्माण आंदोलन हमारे हाथ में था, हम लोग उसको लीड कर रहे थे। तो जैसे जॉर्ज फर्नांडीज हैं या राजनारायण है, ये सब रवि रे हैं, ये सब उसी समय हमारे संपर्क में आए थे। अच्छा, अब यूँ कह दीजिए हमने संपर्क किया या उन्होंने किया, बात ये थी कि हमारा आंदोलन चल रहा था, मतलब और ये लोग उधर आए। आपकी उम्र उस समय 25 साल? मेरी उम्र साल तो सन 77 में भी 25 साल नहीं थी। हाँ, अगर मेरी उम्र उस समय होगी 21-22 साल। 21-22 साल की उम्र में आप जॉर्ज फर्नांडिस, पीलू मोदी, ये मोरारजी भाई, मोरारजी, राजनारायण, ये सब? हाँ बिल्कुल। जयप्रकाश जी से कब मिले फिर आप? उसी आंदोलन के दौरान। जेपी से कोई व्यक्तिगत मेरा कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। अच्छा, हाँ, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस से काफी रहा और पीलू मोदी से काफी रहा। अच्छा, उस समय तो जो आंदोलन में सक्रिय लोग थे, हाँ, उनको इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में जेलों में डाला था, तो क्या गुजरात में नहीं डाले गए हम? वहाँ बाबूभाई जसभाई पटेल की सरकार थी। अच्छा, तो गुजरात में ये जेलों में जाना नहीं हुआ, इसीलिए लोग गुजरात में पनाह लेने भी आते थे। अच्छा, हाँ, ये तो हम लोग उससे बचे, मतलब कांग्रेस की सरकार होते हुए? नहीं, कांग्रेस की नहीं थी वहाँ। अच्छा, गैर कांग्रेस, वहाँ हमारी सरकार थी, जनता मोर्चा की। अच्छा, इसलिए तो सबसे पहले देश में जो बदलाव वो गुजरात से ही शुरू हुआ? हाँ, ये नवनिर्माण आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। अच्छा, और वहाँ बाबूभाई जसभाई पटेल की सरकार बनी थी, जिसने कोई जाति नहीं होने, वो तो हमारे साथ ही थी।
वो सरकार तो हमारे साथ ही थी। अच्छा, वहाँ दूसरे लोग भी आते थे पनाह लेने के लिए। हरियाणा में होते तो आप बंसीलाल जी आपको अंदर करते? हाँ, होते तो पता नहीं क्या होता जी, हम बंसीलाल को जल्दी उखाड़ दिए होते या वो हमको अंदर कर दिए, पता नहीं क्या होता, ये होता तो वो होता। अच्छा, फिर जो 73 का जो चुनाव हुआ जी, उसमें आप उस दौर के जितने भी लोग थे जी, जो जीवन में कभी बेचारे चुनाव जीत नहीं सकते थे, वो सब जीत गए, आप तो रह गए। नहीं, जब 77 में ये इमरजेंसी हटी और चुनाव की घोषणा हुई, हाँ, तो राजनारायण की कोठी थी दिल्ली में, 8 विशंबर दयाल मार्ग, हाँ, उसके पीछे वाले आंगन में, वो कोर्टयार्ड में हम लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें आडवाणी भी मौजूद थे, लाल कृष्ण। अच्छा, मैं पीलू सॉरी ये आपका आर्य अरुण जेटली, आरिफ मोहम्मद खान, एक रामाशंकर सिंह है मध्य प्रदेश में, रामाशंकर सिंह, मोहन प्रकाश आजकल राजस्थान में है, कांग्रेस के नेता हैं, और एक अंजना कुमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थी, और एक ये थे शायद राजकुमार जैन भी थे दिल्ली के। हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें जनता युवा मोर्चा बनाया था जनता पार्टी से भी पहले। अच्छा, उसके राष्ट्रीय संयोजक बने थे हम सब जो वहाँ मौजूद थे, तो उसमें था मैं। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो टिकट की तो कोई बात ही नहीं थी, देश में जहाँ से भी चाहता वहीं से टिकट मेरी थी, लेकिन मेरी उम्र उस समय 25 साल नहीं थी। अच्छा, मेरा जन्म फरवरी 54 का है, तो मैं 23 साल का ही था, और बिना 25 साल हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मैं इस स्थिति में था कि कहीं से भी चुनाव लड़ूं या किसी को भी टिकट दिलवा सकूं, पर मैं खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। तो ये लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान हैं, सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली जी हैं, आरिफ मोहम्मद खान हैं, ये सब लोग जो हैं हमारे साथ के, मोहन प्रकाश हैं, ये सब लोग हमारे साथ के हैं, लेकिन 77 में ये सब 25 साल से ऊपर थे। अच्छा, सबको मिल गई टिकट, तो टिकट की तो कोई बात ही नहीं थी, सबको टिकट भी मिल गई और सब जीत भी गए, और कोई एमपी हो गया, कोई एमएलए हो गया, सारे एमपी एमएलए हो गए, लेकिन मैं नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी उम्र का चक्कर था, ना विधानसभा के लिए संभव हुआ मेरा, और ना मेरा लोकसभा के लिए हुआ, तो असली जो मेरी रुकावट रही वो मेरा जन्म का समय रहा। अच्छा,